happy Father's Day to my dad. I'm sure that he is the best inspiration that any father can be, because the kind of work that he's done, his patience, his perseverance, his resilience to life, and his ability to stay happy amidst all kinds of circumstances, that's something that I think I couldn't have learned from anybody else but him. So more than really being somebody whom I've shared a very, very close bond with, that all sons share with their fathers, I think he's been more of an inspiration to me, who whose work, whose family life, whose ability to fight back and bounce back no matter what happens, that is something that is godlike for me, and that's something that every father should be for their son or daughter. So happy Father's Day to him, and may he stay healthy, wealthy and happy, just like he always has been all his life. There is no father in this world, according to me, who's as good a father as Tushar is to his son. One has to look at Tushar and understand what a great father. He is 10 fathers and 20 mothers in one. She is a very sweet child. And itni success hai, itna usne kaam kiya hai. Kabhi maine usko thakte nahi dekha. She is telling me, this is my energy. From the most talented to the most desired man in our industry, यार मतलब उन्होंने सारे characters play करें on screen नहीं बल्कि off screen भी, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने एक perfect husband का भी role निभाया, फिर उसके बाद एक proud father. आज उनके बच्चे इतने successful हैं तो कोई father कैसे ना proud feel करे. और सिर्फ इतना ही नहीं है, अब उनके father के आगे ना grand भी लग गए, तो वो grand father बन गए. मैं बात कर रहा हूँ the living legend जीतू जी की, जो इस वक्त फादर्स डे पे हमारे साथ बैठे हैं. आइए उनसे बात करते हैं. हाँ सर, आप इतने बड़े सुपरस्टार हो और मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, बट एक चीज़ मुझे जाननी है कि व्हाट कीप्स यू ग्राउंडेड. मतलब आप हमेशा काम रहते हो, हाइपर नहीं होते हो एकदम से, तो वो सर ऐसी कौन सा मंत्र है सर आपके वो अंदर? वो जो हाइपर वाला पोर्शन है वो आपने देखा नहीं है. आई एम अ सुपर हाइपर पर्सन. Maybe I know how to handle myself in public. I don't show my hyperness public mein nahi dikhata hu. Abhi Tushar father ban gaye hain, to usme aapka kya reaction tha, matlab jab unhone decide kiya? Meri zindagi ka isse acha lamha, isse khushi bhara lamha kabhi aaya nahi. Meri picture hit hoti thi, super hit hoti thi, wo ek nasha tha, par jo इसके साथ आधा घंटा भी बैठता हूँ, वो नशा है, इट इज 1000 times मोर देन दैट. मैं जिंदगी में बहुत लेट ग्रैंडफादर बना हूँ, पर दिस इज सच अ डिवाइन प्लेजर, आई कांट गेट ओवर इट. आई एम सो थैंकफुल टू तुषार, थैंकफुल टू माई फैमिली. दिस गिफ्ट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इन माई लाइफ. सर लाइक स्टार्टिंग से देखा है कि आपकी फैमिली जो है बहुत ही आध्यात्मिक है, मतलब बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उसमें आपका क्या सर रोल है? मतलब आपसे ही सारी चीज़ें शुरू हुई हैं या स्टार्टिंग से? सी मेरी फैमिली में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शोभा इज वेरी रिलीजियस, देन एकता मल्टीप्लाइड बाय फ्यू टाइम्स मोर हो गई. मैं आई नॉर्मली टेल पीपल ऑल द टाइम जय माता दी जी. इसका एक रीज़न है, मैं वैष्णो देवी जा रहा था आज से कोई 10 साल पहले, 12 साल, 11 साल पहले, तो एयरपोर्ट से मैंने मेरी माँ को फ़ोन किया. ऐसा मॉम, आई एम गोइंग टू वैष्णो देवी, सो आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. तो शी जस्ट प्रे फॉर मी वन थिंग. ऐसा व्हाट मॉम? बोली माता रानी को कहना अब मुझे जाना है. ऐसा मॉम डोंट टॉक लाइक दिस, मैं नहीं जाऊँगा फिर. नहीं तू जा जा जा. खैर मैं फ्लाइट पकड़ी, वैष्णो देवी माता के अंदर दरबार में गया, दर्शन करके बाहर निकला हूँ, आई गॉट ए फोन कॉल, शी इज़ कॉल.
अभी माँ को याद करता हूँ कि वैष्णो देवी माँ को याद करता हूँ, दोनों कंबाइंड है। उस दिन से जब भी किसी को मिलता हूँ जय माता दी बोलता हूँ। सर मतलब हमारे शहर में, जैसे मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे पापा चाचा और सब मतलब घोड़े वोड़े बन जाते हैं सर, यहाँ पे भी आप भी ऐसे करते हो या कुछ नहीं, ऐसी खेलना बच्चों के साथ कुछ और तरीके से होता है? मुझे शर्म आती है एज ए फादर, मुझे याद नहीं आता मैं मेरे बच्चों के साथ कब खेला हूँ। मैं तो अपना स्ट्रगल में और भाग दौड़ में इतना बिजी था, मैं भूल गया मेरे बच्चे कब बड़े हुए। आई एम लिविंग दैट विद माई ग्रैंड सन नाउ। स्ट्रगल एक तरफ होती है, अपनी फैमिली को टाइम देना एक तरफ होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिवोट योर टाइम टू योर फैमिली। और आपकी फैमिली आपके साथ है तो आपकी खुशियाँ आपके साथ है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ नहीं देर इज़ नो हैप्पीनेस। सर एकता मैम खेलती हैं बहुत, मतलब उनकी स्टोरीज और पिक्चर्स तो मैं देखती हूँ। She is a good bua. She is a great bua. And I'm shaping to be a great grandfather. Ekta ma'am aur Tushar bhaiya ke mein se kaun sabse zyada shararti tha? Shararti nahi. Tushar was the always sober kind, shuru se. And Ekta was the eating kind. Matlab wo apne bhai ka bhi tiffin kha jati thi. Main bachpan mein socha karta tha ki main ye karegi kya? Ye sivaye khane ke iska koi aur बट कैन यू इमेजिन कैसे चेंज हुई है। आज वो बात करती है मैं सुनता हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है जब वो बात करती है, जब तुषार बात करता है मुझे सुनना अच्छा लगता है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से बिकॉज दे आर माई चिल्ड्रन, आई एम नॉट ए फुलिश मैन, बट वन दे टॉक लॉट ऑफ सेंस। एकता मैम ने कुछ ऐसा किया हो, कुछ भी एक ऐसी मेमोरी जो आप आज भी आप हंसते हो या याद करते हो? हर साल मैं गर्मियों की छुट्टियों में, मेरा एक रूटीन था उन जमाने में, 15-20 दिन कहीं अब्रॉड जाने का। अब ये अब्रॉड जाने में एक ही दिक्कत आती थी, कोई दो चार बच्चे आ गए मेरे पास मेरा ऑटोग्राफ लेने जी। तो ये देखती थी दूर से, करो ऑटोग्राफ देखे तो दिखाओ। सो आई हैड टू अवॉइड स्मॉल चिल्ड्रन सो दैट शी डजंट गेट अपसेट। शी वाज सो पोसेसिव अबाउट मी, ये मेरा पापा है, मेरा पापा से बोलती थी, नोबडी बट दिस हाउ ऑल चिल्ड्रन आर। सर लेकिन ऐसा कोई मंत्र है जो मतलब आप भी फॉलो करते हो और आपने मतलब अपने बच्चों को दिया हो? मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुझे मेरे बच्चों से सीखने को बहुत मिला। फॉर एग्जाम्पल एकता, द काइंड ऑफ टेंशन शी गोज थ्रू, द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग, जितना काम करती है कितना काम वो हैंडल करती है, एंड येट शी इज सो डाउन टू अर्थ। एंड तुषार इज द कूलेस्ट गाय, जो दोनों चीज़ें मुझ में नहीं है। एक तमाम जैसे बहुत ही हार्डवर्किंग रही हैं और उन्होंने सब कुछ संभाला है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे उनको भी थोड़ी डिफिकल्टीज आई थी जब वो शोज़ इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने। जब मैंने मेरी ज़िंदगी शुरू की तो आई बिलोंग टू लो मिडिल क्लास, तो जो आमतौर पे होता है मुझे लगता है, तो देन आई वॉज अ एबल प्रोवाइडर। मैं अपने बाल बच्चों का, मेरी बीवी फैमिली का ध्यान ठीक तरीके से रख सकता था, पर उन्होंने वो पाथ चूज नहीं किया। एकता ने स्ट्रगल का पाथ चूज किया, तुषार को मैंने कुछ ब्रेक नहीं दिया, तुषार डिड एवरीथिंग ऑन हिज ओन। आज तक मैंने तुषार को कहीं रिकमेंड भी नहीं किया, कहीं बोला भी नहीं है। और एकता तो शी स्टार्टेड, ये बिल्डिंग जो मैंने घर है मेरा, इसका बेसमेंट है, बेसमेंट में बैठ के उसने ऑफिस शुरू किया है, वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ से वो निकली है। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, मुट्ठी बंद करने से खुशबू कैद नहीं होती, उसकी महक तो आनी है। मुझे नहीं मालूम था वो इतनी टैलेंटेड है, बट इतनी टैलेंटेड थी इसलिए इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एडवर्सिटी शी ओवरकेम दैट। नीचे बेसमेंट में बैठने की जगह नहीं थी बराबर, वो तो जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं वहाँ से उसने अपना ऑफिस शुरू किया है। बट सर ऐसा कोई टाइम आया होगा कि जब एकता मैम या आपने कुछ एक गाइडेंस दी होगी कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, यहाँ हो जाए कुछ भी, एक ऐसा सर वही मंत्र दे दो आप हमें? मंत्र नहीं है वो। अच्छा एक्चुअली जब उसने स्टार्ट किया
तो उसको पैसों की जरूरत थी, पैसों के बगैर तो कुछ होता नहीं है. करेक्ट. एंड ट्रायल एंड एरर बेसिस पे तो चलता ही है ना. ये समझने के गैप के लिए फाइनेंशियल बफिंग चाहिए था. आई ओनली गेव हर दैट, देन शी टुक ऑफ ऑन हर ओन. एक तो हम हर चीज़ को जैसे मना कर दें या किसी चीज़ को, लेकिन आपकी कोई बात ऐसी उन्होंने ना टाली हो या आपने कुछ बोला हो, ऐसी कोई बात है सर? नहीं नहीं, वैसे तो अब मेरी कोई बात टालती नहीं है जी. पर एकता की खासियत ये है, इतनी वर्क एफिशिएंट है तो शी नेचुरली ओवरवर्क भी है, तो शॉर्ट टेम्पर भी है. तो वन थिंग उसको देखता हूँ मैं, जब शी लूजेस टेम्पर शी इज़ इमीडिएटली अपोलोजेटिक. इमीडिएटली वो किसी से भी अपनी माफ़ी मांगने में नहीं चुकती. बट दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी विच टचेस मी अ लॉट. सर लाइक स्टार्टिंग से मतलब फिल्मी आप लोगों का एटमॉस्फेयर रहा है, ऐसे कौन से क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं जो मतलब अभी तक बचपन से? शुरू से मेरे कुछ मित्र थे जो फ्रेंड्स थे, जैसे मैं हमेशा ऋषि कपूर, राकेश रोशन, प्रेम चोपड़ा, सुजीत कुमार, टूटू शर्मा, रमेश बहल, ये हमारा संजीव कुमार, ये हमारा कोटेरी था. हम जब भी नया साल, दिवाली, गणपति जो भी आते थे, यूज़ टू पार्टी टुगेदर. अभी जब आप बाहर जाते हैं या कोई भी, अभी भी आई एम 200% श्योर लड़कियां भागती होंगी या दूर से फ्लाइंग किस कर दी, आंख मार दी, तो मतलब सर आई एम 77 इयर्स सर. लेकिन ये तो आप ये तो मत ही बोलिए सर. इन राउंड द कॉर्नर बहुत सारे साथी चले गए, वो आवाज़ दे रहे हैं वहाँ से. नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं. आज 16 साल का था ना, ढल गई शाम, जाना है जाने दो. एक सर कोई मैसेज जो आप देना चाहें ऑडियंस को और जितने भी? मेरे फादर ने मुझे कहा था, आई बिलीव इन दैट, नो वन हैज एवर फेल्ड अंटिल ही हैज गिवन अप. सर मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया और मैंने आज एक्चुअली अपने फादर को गिफ्ट दे दिया, क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करते थे. सर दिस इज़ माई बेस्ट 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 गिफ्ट टू माई फादर. सर थैंक यू सो मच. जय माता दी. सर थैंक यू सो मच.